हार्ड हिटिंग डिटॉक्स। हेलो व्यूअर्स, पे आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है राहुल गांधी के नाम कर दिया अपना चार मंजिला घर, दिल्ली की राजकुमारी ने क्यों लिया ये फैसला। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सूरत की एक अदालत ने बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक आपराधिक मानहानि केस में दोषी ठहरा दिया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई और उन पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट के इस फैसले के ठीक एक दिन बाद लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए राहुल की सदस्यता को रद्द कर दिया था। सांसदी छिन जाने के बाद राहुल गांधी की टेंशन दिनों दिन बढ़ने लगी। राहुल गांधी को अब उनका सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। बंगला खाली करने के लिए राहुल को 22 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है। इस बात को लेकर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त नाराज़गी देखी जा रही है। इसी बीच दिल्ली की एक महिला ने राहुल गांधी के नाम अपना घर कर दिया। जी हां, दिल्ली की राजकुमारी नाम की महिला ने अपना 4 मंजिला घर राहुल गांधी के नाम कर दिया है। मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के बाद एक एक कर कांग्रेस पार्टी पर कई मुसीबतें आईं। पहले राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, फिर उनकी सदस्यता रद्द हुई और अब उन्हें 22 अप्रैल तक अपना सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। इसी बीच कांग्रेस सेवादल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक जानकारी शेयर की गई। ट्वीट कर बताया गया कि दिल्ली महिला कांग्रेस सेवादल की अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी गुप्ता जी ने मंगोलपुरी इलाके में अपना घर श्री राहुल गांधी जी के नाम कर दिया है। उन्हें ये घर इंदिरा गांधी जी के समय मिला था। राजकुमारी जी बोली कि मोदी जी राहुल को घर से निकाल सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल से नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के मंगोलपुरी में राजकुमारी गुप्ता का एक 4 मंजिला घर है। राजकुमारी ने अपना घर अब राहुल गांधी के नाम कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी की सांसदी छिन जाने के बाद लोकसभा की आवास संबंधी समिति ने उन्हें एक नोटिस भेजा था। नोटिस के मुताबिक राहुल गांधी को 22 तोलक लेन पर स्थित उनका सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। राहुल गांधी को इसके लिए 22 अप्रैल तक का समय दिया गया है। दरअसल वर्ष 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भाजपा नेता पुणेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस किया था। करीब 4 साल बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद राहुल गांधी की सांसदी भी छिन गई। अब राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। इसी बीच दिल्ली की राजकुमारी ने राहुल के नाम अपना घर कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।